Hello dear students, today we will read the chapter number 4 of your textbook. The name of the chapter is An Indian American Woman in Space, Kalpana Chawla. This is the autobiography of a Kalpana Chawla. Okay, do you know कल्पना चावला को? क्या आप जानते हैं कल्पना चावला जो थी वो हमारे इंडिया की फर्स्ट वुमन थी जो स्पेस में गई थी. ओके, और उनको इंडियन अमेरिकन क्यों कहा जाता है वो हम इस स्टोरी में देखेंगे. ओके, कल्पना चावला वाज बोर्न इन करनाल हरियाणा बट बिकेम अ यूएस सिटीजन आफ्टर हर मैरिज टू एन अमेरिकन फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरियर हैरिसन. कल्पना चावला जो है उनका जो बोर्न है उनका जो जन्म है वो करनाल में हरियाणा में हुआ था, लेकिन वो एक यूएस सिटीजन बन गई थी. और यूएस सिटीजन कैसे बनी? क्योंकि उन्होंने एक अमेरिकन फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरियर हैरिसन से क्या किया था, मैरिज किया था, इसी की वजह से उनको वहाँ की सिटीजनशिप मिली थी. ओके, सो शी इज कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, इंडियन अमेरिकन. She graduated from Tagore School, Karnal. Karnal की Tagore School से उन्होंने अपनी schooling complete की. After she joined an engineering college. और उसके बाद उन्होंने एक engineering college को join किया. To the US after getting that degree. She earned her PhD in aerospace engineering. उन्होंने फिर उसके बाद में जब उन्होंने उनकी ग्रेजुएट कंप्लीट किया उन्होंने उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज से अपना क्या किया, जो बैचलर डिग्री वो कंप्लीट की. और उसके बाद में उन्होंने जो मास्टर डिग्री है वो करने के लिए वो कहाँ गई, यूएस गई, मतलब अब्रॉड गई, है ना, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट में गई. ओके, और फिर उसके बाद उन्होंने जो है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में क्या किया, पीएचडी किया. Now after that, after qualifying as a pilot, she applied to NASA for a space shuttle program. उसके बाद में फिर उन्होंने जब वो qualified हो गई तो उन्होंने NASA में क्या किया, अपने आप को NASA में उन्होंने apply किया pilot के लिए. और वो कौन सा space shuttle program के लिए उन्होंने अपने आप को क्या किया, apply किया वहाँ पर NASA में. फिर उसके बाद क्या हुआ, इट वॉज हर सक्सेस एज अ पायलट दैट गेव हर द आइडिया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट. और उसके बाद में उसकी जो सक्सेस है उनकी जो सक्सेस है और जब वो पायलट बन गई तो उनके पास क्या, उनको एक ये भी आइडिया मिला कि वो क्या कर सकती है, एस्ट्रोनॉट भी बन सकती है ना. और शी वॉज द फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट. और उसके बाद में जो नासा ने उनको क्या किया कि हायर किया रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में. वो रिसर्च साइंटिस्ट बन गई वहाँ पर और वो सभी लोगों को क्या करती थी, ट्रेनिंग देती थी. इन 1994 शी वाज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट अमंग अदर्स. मतलब नासा ने उन्हें 1994 में क्या किया, एक ट्रेनर अपॉइंट किया उनको, मतलब ट्रेनर बना दिया. और वो क्या करती थी, दूसरों लोगों को वहाँ पर नासा में क्या करती थी, ट्रेनिंग देती थी एस्ट्रोनॉट की. दस शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन एस्ट्रोनॉट. और उसके बाद वो क्या बन गई, फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन एस्ट्रोनॉट बन गई. चावलास फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस वॉज 15 days. जो कल्पना चावला का फर्स्ट मिशन था स्पेस में वो 15 डेज का था, 16 आवर्स और 34 मिनट्स लॉन्ग. मतलब जब उन्होंने पहली बार वो जब स्पेस में गई थी तो उन्होंने 15 डेज 16 आवर्स और 34 मिनट्स वहाँ पर स्पेंड किए थे. द क्रू इंक्लूडेड जापानीज एंड द यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट. और उस क्रू में जो स्पेस था उसको क्रू बोलते हैं. और उस क्रू में कौन कौन था, जापानीज भी थे और यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट भी थे. मतलब उनके साथ में बहुत सारे लोग वहाँ पर, सॉरी, फाइव कल्पना चावला को मिलाकर 6 लोग और भी उनके साथ में स्पेस में गए थे. ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ, दे परफॉर्म डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट 56 मिलियन डॉलर्स.
और उनके बाद उन्होंने उन एस्ट्रोनॉट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किए, और वो जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो अबाउट कितने डॉलर्स के थे, 56 डॉलर्स के थे. ओके, व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट ब्रोक, देर वॉज शॉक एंड डिसबिलीव, बट इट बिकेम क्लियर दैट कल्पना चावला हैड डाइड. फिर उसके बाद क्या हुआ, जब उनका जो स्पेस है वो जब लैंड कर रहा था, तो जब उन्होंने कम से कम 80 एक्सपेरिमेंट किए, और 80 एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब वो लैंडिंग कर रहे थे स्पेस सॉरी अर्थ पर, तब उनका जो स्पेस है कोलंबिया, कोलंबिया नाम का जो स्पेस स्पेस था, वो जो स्पेस में क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उसमें क्या हो गया, वो उनका जो कांटेक्ट है नासा से टूट गया, और वो क्या हो गए, उनका जो स्पेस है वो ब्लास्ट हो गया, और उसमें जो कल्पना चावला और उनके साथ जो 6 मेंबर्स थे वो सभी के सभी क्या हो गए, डाइड हो गए. ऑल अदर क्रू मेंबर्स ऑन द स्पेस शटल हैड ऑल्सो डाइड. मतलब मैंने आपको बताया कि जो क्रू स्पेस था वो पूरा बर्स्ट हो गया, और उसमें जितने भी मेंबर्स भी थे, जो 6 मेंबर्स भी थे, वो भी सब क्या हो गए, डाई हो गए. देन आफ्टर व्हाट हैपेंड, अ जर्नलिस्ट रोट, और एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने लिखा है कि कल्पना चावला जो है वो क्या थी, एक हीरोइन थी. द कल्पना चावला वाज अ हीरोइन अकॉर्डिंग टू हिम, एस्ट्रोनॉट इज अ वेरी एबल पर्सन. और अकॉर्डिंग टू और उनके उनके अनुसार जो एस्ट्रोनॉट था जो थे वो कैसे होते हैं, बहुत एबल पर्सन होते हैं. ही हैज़ टू नो एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. मतलब जो कल्पना चावला थी वो बहुत एबल पर्सन थी. एक ये न्यूज़ रिपोर्टर ने, एक जर्नलिस्ट ने अपनी न्यूज़ में ऐसा लिखा था कि कल्पना चावला जो वो हीरोइन थी, और उनके अकॉर्डिंग, मतलब उस जर्नलिस्ट के अकॉर्डिंग, वो जो थी वो क्या थी, बहुत एबल पर्सन थी, और उनको सभी चीज़ों का, मतलब बायोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में, को इन सभी स्कोप में, इन सभी फील्ड में उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था और बहुत ज़्यादा नॉलेज था. एन एस्ट्रोनॉट हैज़ इंसाइक्लोपेडिक नॉलेज. और आपको पता है कि जो एस्ट्रोनॉट होता है उसको इंसाइक्लोपेडिक नॉलेज होना चाहिए, मतलब उसको उसके बारे में सारी जानकारी होना चाहिए. और ये सब चीज़ें कल्पना चावला में थी. कल्पना चावला सेड दैट अ ड्रीम कैन बी मेड अ रियलिटी, फॉर धिस वन मस्ट हैव द करेज एंड वर्क फॉर इट. मतलब कल्पना चावला ये कह रही है कि जो हमारे ड्रीम्स हैं उनको हम रियलिटी, मतलब हमको, हम उनको सच कर सकते हैं, पर हमको उनके लिए क्या चाहिए, फॉर धिस वन मस्ट हैव द करेज. हमारे पास उसके लिए करेज होना चाहिए, साहस होना चाहिए, और हमारे हमको उसके लिए बहुत सारा क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है. एंड वर्क फॉर इट, और उस पर हमको क्या करना पड़ता है, जूटना पड़ता है. कोई भी ड्रीम को जब हमको क्या करना है, उसको ट्रू करना है, उसको रियलिटी में चेंज करना है, तो हमको ये सब चीज़ें करना पड़ेंगी. जैसे कल्पना चावला का ड्रीम था कि उनको क्या बनना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, और उन्होंने वो एस्ट्रोनॉट बनकर अपने ड्रीम को जैसे पूरा किया, वैसे ही उन्होंने अपने इन वर्ड्स में कहा है कि हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, सिर्फ हमारे में मन में क्या होना चाहिए, उसको ट्रू करने की चाहत होना चाहिए, मतलब हमारे मन में उसके लिए विलिंगनेस होनी चाहिए. थैंक यू स्टूडेंट्स.